लाल कुआं के जीवित आशा चर्च में धूमधाम से ईस्टर डे मनाया गया। भगवान ईसा मसीह को याद करते हुए भक्तों ने विशेष प्रार्थना करी। लाल कुआं में जीवित आशा चर्च ने बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया ईस्टर डे, जिसमें पास्टर शिव कुमार सूरज ने विशेष प्रार्थना करते हुए प्रभु ईसा मसीह के जी उठने के दिन के बारे में सबको अवगत कराया। वहीं बच्चों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और ईसा मसीह के भक्तों ने भक्ति गीतों पर चर्च का माहौल भक्तिमय कर दिया। केक काटकर प्रभु ईसा मसीह के जीवित होने पर खुशी व्यक्त की गई। आपको बता दें कि ईसाई संप्रदाय के अनुसार गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने के तीसरे दिन यानी रविवार को वो पुनर्जीवित हो गए थे, जिसके रूप में ईस्टर डे मनाया जाता है। बृहस्पतिवार को पाम संडे होता है और शुक्रवार को गुड फ्राइडे होता है। गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह को रोमी शासकों ने क्रूस पे चढ़ा के उनकी जान ले ली और वो परमेश्वर पुत्र थे जिन्होंने इस मानव जाति के उद्धार के लिए अपनी जान दे दी। और तीसरे दिन यानी शुक्रवार को वो मारे गए, गाड़े गए, शनिवार को कब्र में रहे और आज इतवार के दिन वो तीसरे दिन मौत को हरा के मुर्दों में से जी उठे। उसकी खुशी में हम लोग ईस्टर का त्यौहार जिसे कहते हैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस, जो कि सारे संसार भर में आज मनाया जा रहा है और लाल कुआं भी मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।